पिछले क्लास तक हम लोग रेट मैक्स का डेरिवेशन कर रहे थे। रेट मैक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन आर टी, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड। कोलिजन के ठीक पहले मॉलिक्यूल के पास सफिशियंट एनर्जी होना है, मिनिमम सफिशियंट एनर्जी होना है, ताकि कोलिजन के बाद उसमें पार्शियल बॉन्ड का ब्रेकिंग और पार्शियल बॉन्ड का बनना चालू हो जाए। उस स्टेट को कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, या उसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब दो मॉलिक्यूल टकराया, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टकराने के बाद जस्ट वापस चले जाए, टकराया जरूर लेकिन प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल नहीं दिया। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल का मिलना दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन फैक्टर। हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, तभी से हम लोग ये निकाले कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना होता है। वो एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, वो गैसियस स्टेट में डिराइव भी हो जाता है। खैर, वो नंबर ऑफ कोलिजन को अगर मैं मान लूं कि दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो दैट विल गिव मी द मैक्सिमम रेट पॉसिबल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 10 मॉलिक्यूल कोलाइड किया 10 प्रोडक्ट देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओनली फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन्स कैन गिव अस द प्रोडक्ट, बिकॉज ओनली फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन सेटिस्फाई एनर्जी क्राइटेरिया, ओरिएंटेशन क्राइटेरिया। ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 10 कोलिजन हुआ तो 10 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मिल गए, मतलब कि वो रेट मैक्सिमम है। फिर उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एनर्जी का फैक्टर। मैक्सवेल डायग्राम में जब हम लोग ई नॉट को देखते हैं, ई नॉट और ग्रेटर देन ई नॉट वाले कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन आर टी। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट क्या है? एक तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट सच दैट कोलिजन विल गिव एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने पता किए जिनके पास एनर्जी ई नॉट या उससे ज्यादा है, वो फ्रैक्शन निकलता है ई टू द पावर माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन आर टी। वो फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने आर मैक्स में, है कि नहीं? तो मेरे को एक रेट मिला। नाउ दिस रेट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी को मैंने कंसिडर कर लिया, तो अब ये जो रेट आएगा वो आर मैक्स से कम आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब मैंने e टू द पावर माइनस ऑफ e नॉट बाई आर टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो रेट कांस्टेंट रहा वो रेट कांस्टेंट बन गया एन ए इंटू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 kT बाई पाई म्यू टू द पावर हाफ, और यहां पर e टू द पावर माइनस ऑफ e नॉट अपॉन आर टी। तो स्लोली ये इक्वेशन देखो कि आरनियस इक्वेशन का फॉर्म धीरे धीरे लेते चले जा रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक का डेरिवेशन क्लियर है? यहां तक का डेरिवेशन क्लियर है? नाउ यू राइट ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर, हां क्या? क्योंकि e टू द पावर माइनस e नॉट बाई आर टी जो है वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट, और फ्रैक्शन हमेशा एक से कम होता है। ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है, कंसिडर कर एक एग्जाम्पल ओरिएंटेशन फैक्टर में। ओरिएंटेशन फैक्टर में बहुत सारे हम एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ओरिएंटेशन रहेगा कि मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो और प्रोडक्ट मिले। सपोज आई से ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन एटम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म HBr मॉलिक्यूल, HBr मॉलिक्यूल एंड H सेपरेट हो गया, ठीक। ब्रोमीन एटम ऐसा है, ठीक, एक ब्रोमीन का एटम हो गया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल कंटेन टू एटम्स बेसिकली। तो हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल को इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज ब्रोमीन एटम। एक तो पॉसिबिलिटी है लाइक दे आर कोलाइडिंग लाइक दिस, और दूसरा पॉसिबिलिटी यह भी है कि यह ब्रोमीन का एटम है, ब्रोमीन का एटम है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरीके से आकर कोलाइड किया।
समझ में आ रहा, दो दो अलग अलग ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे हैं, दो अलग अलग ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, पहले तो ये दो स्पीशीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये दोनों आसपास अगर आएगा तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, नीचे जाता। लेकिन बहुत जब क्लोज आ जाएगा तो उनमें क्या हो जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। इसीलिए वो ग्राफ देखना, ऊपर जाके फिर नीचे आता है एक्टिवेशन एनर्जी वाला। जब बहुत दूर दूर होते तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स से वो पास पास आए तो थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी नीचे गया, लेकिन बहुत जब करीब आ गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाता है। बात समझ में आ रहा? जब तुम गौर से देखोगे के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, ये अरेनियस इक्वेशन था। एक्टिवेशन एनर्जी तो सबको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, नॉर्मल और थ्रेशोल्ड का बीच का डिफरेंस। पीक जितना ज्यादा ऊपर होगा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। हम फिर से इस इक्वेशन में आएंगे पूरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए, अभी मैंने इस इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने डिराइव किया है। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो बता रेट कॉन्स्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट कॉन्स्टेंट घटेगा। e टू द पावर माइनस x है ना, x अगर बढ़ा तो फिर y का वैल्यू क्या होगा कि घटेगा। बस समझ में आ रहा है? पीक बढ़ा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। नॉर्मल एनर्जी तो यही है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एनर्जी तो यही है। पीक जिसका ज्यादा होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा और k का वैल्यू कम। वी नो दैट रेट इज रेट कॉन्स्टेंट इन टू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। रेट कॉन्स्टेंट का घटना मतलब रेट का भी घटना, रेट कांस्टेंट का बढ़ना मतलब कि रेट का भी बढ़ना, एंड रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, पीक वैल्यू। समझ में आ रहा? ठीक है। जब मॉलिक्यूल लीनियरली ओरिएंटेड होते हैं तो जब बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो इसका भी अपना एक पीक होगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये हाइड्रोजन इस तरीके से ओरिएंटेड होगा कोलिजन के वक्त, यहां पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली दोनों एटम को रिपेल कर रहा है। यहां पर कम से कम एक हाइड्रोजन का एटम तो दूर है, एक पास पास आया लेकिन एक हाइड्रोजन का एटम तो दूर है। तो अगर दोनों का कोलिजन के वक्त का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में देखें तो ऐसा कुछ हमको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखेगा। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आया यार, समझ में आ रहा है? और एक का पीक जो होगा वो कम और दूसरे का पीक जो होगा वो ज्यादा। अगर हम बोल रहे हैं कि दिस इज द ओरिएंटेशन वन, दिस इज द ओरिएंटेशन टू, ओरिएंटेशन वन इज दिस पीक, ओरिएंटेशन टू इज दिस पीक। समझो, दोनों हाइड्रोजन का एटम अगर आकर कोलाइड कर जाए ब्रोमीन के साथ तो वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना, क्योंकि वहां रिपल्शन ज्यादा, क्योंकि ब्रोमीन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ रिपेल कर रहा है। लेकिन लीनियर ओरिएंटेशन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम आके उसको टच करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ेगा, रिपल्शन कम है, कम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। हम लोग बोलेंगे यहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है कि नहीं, यहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम। कम एक्टिवेशन एनर्जी माने रेट कांस्टेंट ज्यादा, रेट कांस्टेंट ज्यादा मतलब कि रेट ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो वी विल से दैट द लीनियर ओरिएंटेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। That means linear orientation gives product at a faster rate. ये वाला orientation हम लोग को ज्यादा product दे सकता है, जल्दी दे सकता है, और ये वाला orientation कम जल्दी देगा। कहे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एक तरह से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ओरिएंटेशन भी मैटर करता है कि प्रोडक्ट हम लोग को किस ओरिएंटेशन में ज्यादा मिल रहा है और किस ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट कम मिल रहा है या उससे नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? हम तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यार, कि आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है और कांटी ठोकना है दीवार में तो उसको सीधा लगा के ठोकोगे तभी तो जाएगा अंदर, कि उल्टा लगा के दे मारे बेटा जाएगा थोड़ी अंदर। ओरिएंटेशन एनर्जी है लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तब भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है?
सो लीनियर ओरिएंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी, एक ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिस्कशन में, याद रखना कि लीनियर ओरिएंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट एट अ फास्टर रेट. लीनियर ओरिएंटेशन इज द बेस्ट ओरिएंटेशन फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट एट अ फास्टर रेट. जैसे CO प्लस NO2 इट रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 प्लस ऑफ NO, तो इसका ओरिएंटेशन देखो कैसा रहता है. दो तरीके से ओरिएंटेशन हो सकता है कार्बन मोनोक्साइड का, ऐसा भी हो सकता है और OC भी हो सकता है कि नहीं. N डबल बॉन्डेड O सिंगल बॉन्डेड O, वी शेप्ड मॉलिक्यूल, क्लियर है. अगर ये कार्बन मोनोक्साइड इस ओरिएंटेशन में अगर आकर टकराया, अगर कार्बन मोनोक्साइड इस ओरिएंटेशन में आकर टकराया तो देखने में लग रहा है कि CO2 बन जाएगा, लेकिन CO2 का स्ट्रक्चर तो O डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O होता है. बताओ कि इस ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट मिलेगा कि इस ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट आसानी से मिलेगा. आखिर कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, कार्बन के साथ ही दोनों ऑक्सीजन जुड़ना है. अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कोलाइड कर गया, नो रिएक्शन, समझ में आ रहा है. बट दिस कार्बन कोलाइड्स विद दिस ऑक्सीजन एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा O डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O प्लस NO गैस. ओरिएंटेशन डज मैटर. इफ ऑक्सीजन कोलाइड्स विद ऑक्सीजन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बट इफ कार्बन कोलाइड्स विद ऑक्सीजन देन देयर विल बी अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. समझ में आ रहा बात. हाँ, किसमें? नहीं, ये तो लीनियर की बात हो रही है ना, लीनियर ओरिएंटेशन की ही बात हो रही है. एनो तो एनीवे वी शेप है, तो उसको तो वी शेप ही रखना पड़ेगा. कार्बन मोनोक्साइड को तो मैंने लीनियर रखा है, ऐसे थोड़ी रखा है, क्लियर. लेकिन ऐसे भी अगर कार्बन आके टकराएगा ऑक्सीजन के साथ तब प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन अगर टकराएगा ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन के साथ दो अलग अलग ऑक्सीजन जुड़े होने चाहिए, क्लियर. तो इसका भी प्रोबेबिलिटी है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्बन कोलाइड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑक्सीजन कोलाइड्स. एनर्जी तो दोनों के पास था, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोलिजन हो गया, नो प्रोडक्ट. लेकिन कार्बन ऑक्सीजन में कोलिजन हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. समझ में आ रहा बात. हाँ, सी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक कार्बन मोनोक्साइड में एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से कार्बन की ओर. मुद्दा पे ध्यान दो, मुद्दा पे. मुद्दा क्या है? ओरिएंटेशन कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, बोलिए. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नहीं, ओवरऑल जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है. बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही. एक और सिंपल सा रिएक्शन है, NO प्लस ऑफ O3 रिएक्ट्स टू फॉर्म NO2 प्लस ऑफ O2. तो ON एंड OO एंड O, NO2, NO2 में दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते. तो अगर NO, ये सिंगल बॉन्ड मत मानना, मैंने दो एटम को स्पेसिफाई किया है. ऑक्सीजन अगर आके यहां पे कोलाइड कर गया तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नाइट्रोजन आकर कोलाइड करेगा ऑक्सीजन के साथ, देन देयर विल बी अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस ऑफ O2, क्लियर. देयरफॉर वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस, हां, नाइट्रोजन के जगह OF, हां हां F2, नहीं तो फ्लोरीन का कंपाउंड OF2 एग्जिस्ट करता है, OF2, O2F2, इट एग्जिस्ट, तो उसका रिएक्शन अलग देखेंगे. मेरा यहां समझाने का मतलब है कि कोलिजन तो हमेशा चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कोलिजन ही हमको प्रोडक्ट दे रहा है, नॉट ऑल द कोलिजन, क्लियर. Therefore, we will have to introduce one another factor which takes care of the orientation. Therefore, we will have to introduce the
another factor which takes care of the orientation, and that another factor is called steric factor. Note karo. Therefore, we will have to introduce one another factor which includes the specific orientation part. And it is called steric factor P. Which includes the specific orientation. Hai na? Yahan pe to energy. जिसके पास सफिशियंट एनर्जी है वो इंक्लूड कर लिए तो इतने कोलिजन हमें प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी भी इतने कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं दे सकते क्योंकि इसमें वो सारे पॉसिबल कोलिजन इंक्लूडेड है, कार्बन ऑक्सीजन वाला भी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला भी. तो हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला कोलिजन को हटाना है. बात समझ में आ रहा है? तो अगेन वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस वन फैक्टर विच टेक्स केयर ऑफ ओरिएंटेशन एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर. P is steric factor and this P is less than 1. We will have to multiply the small p into it. Aur is small p ko hum log bolte hain steric factor. Is small p ko bola jata hai steric factor. Is small p ko bola jata hai steric factor. Now, rate constant will become Avogadro number sigma AB. Pi sigma AB का स्क्वायर 8KT by mu pi mu to the power half e to the power minus of e naught by RT into small p. ये अब रेट कांस्टेंट बन गया. रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये है. इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ, K is equal to some constant C. ये सब constant है. Avogadro number pi, sigma AB, diameter से related है. Mu, pi, 8K, सब constant है. P भी constant है. तो सबको हम एक constant मान लिए. बस इस temperature को मैंने बाहर रखा. तो ये temperature कैसे रहेगा? Root of T, C root of T e to the power minus of E naught upon RT. We can write like this. Where C is Na pi sigma AB ka square 8K by pi mu to the power half into P. Ye sab aa gaya constant C mein. Clear hai? Theek hai. Agar main iska ln le loon, ln K will be equal to, dhyan dena kya kya likh rahe hai, ln K will be ln of C plus LNK will be LN of C plus root T का क्या आएगा? 1 by 2 LN T plus LN of E to the power minus E naught by RT क्या आएगा? Minus of E naught by RT. ठीक है, LN ले लिया अपने expression का. इसको मैं differentiate कर रहा हूं. D of LNK by DT. Differentiate it. D of LNK by DT, that will be equal to LNC, 0. ये तो कांस्टेंट था. 1 by 2 ln t का क्या आएगा? 1 upon 2 t आएगा. ln t का 1 by t. और e naught और r कांस्टेंट है, तो minus e naught by r कांस्टेंट, 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? Plus of e naught upon r t square. आया? क्लियर है? e naught क्या था? थ्रेशोल्ड. समझ में आ रहा बात? मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट बिफोर कोलिजन. आरहेनियस इक्वेशन क्या कहता है? आरहेनियस इक्वेशन कहता है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस ऑफ EA बाई RT. कहता है यहां भी लिए ln K. ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ऑफ EA अपॉन RT. इसको भी डिफरेंशिएट किए. D ऑफ ln K बाई DT इज इक्वल टू ln A क्या हो गया? 0 माइनस प्लस EA अपॉन RT स्क्वायर.
ये दोनों को हम इक्वेट कर दिए, इक्वेट किए तो आया ईए अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टी प्लस ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर. वी आर ट्राइंग टू गेट अ रिलेशन बिटवीन ईए एंड ई नॉट. आर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ये क्या बन जाएगा, ईए इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा तो टी टी कट गया, आर टी बाय टू प्लस ई नॉट. ये रिलेशन है दोनों में. एक्टिवेशन एनर्जी एंड द मिनिमम एनर्जी विच शुड बी प्रेजेंट बिफोर कोलिजन, मिनिमम एनर्जी विच शुड बी प्रेजेंट बिफोर कोलिजन, ये चीज है. क्लियर? क्लियर? अब ये हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में k इज इक्वल टू सी रूट टी ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी माइनस ई नॉट. ई नॉट क्या है इस एक्सप्रेशन से, ई ए माइनस आर टी बाई टू है ना, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर टी लिख सकते. क्लियर? दैट मीन्स इट विल बिकम सी रूट टी ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर हाफ. वेरी गुड. दैट मीन्स के विल बी इक्वल टू सी रूट टी ई टू द पावर हाफ इंटू माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी. दैट मीन्स कैपिटल ए जो होता है वो ये होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैपिटल ए. देयरफॉर विल बी इक्वल टू सी क्या है, एन ए अवोगाड्रो नंबर पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर एट, रूटी तो चला जाएगा फिर अंदर उसके, तो एट के टी बाई पाई म्यू टू द पावर हाफ इंटू पी इंटू ई टू द पावर हाफ. दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी में a का एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी आरएनएस इक्वेशन था फ्रीक्वेंसी फैक्टर. फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैन बी टेकन कॉन्स्टेंट, ऑल्दो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजेस फ्रीक्वेंसी फैक्टर चेंजेस, बट स्टिल टेम्परेचर के चेंज से इस पूरे वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं ऑब्जर्व किया जाता, इसलिए ए शुड बी टेकन कॉन्स्टेंट इन अ टेम्परेचर रेंज, इन अ टेम्परेचर रेंज ए शुड बी टेकन अ कॉन्स्टेंट. ये जितना डेरिवेशन हमने किया, ये डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात क्या थी, हम फिर से आपको समरी बता रहे. समरी ये बता रहे कि कोई भी रिएक्शन तब होता है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है. हर कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं देता है. मैक्सिमम कोलिजन दो बॉल के टकरा के वापस जाने की तरह होता है कि आया टकराया वापस चला गया. वही कोलिजन हमें प्रोडक्ट देता है जो कि हाईली एनर्जेटिक हो, कुछ मिनिमम एनर्जी हो दोनों के पास, कोलिजन हुआ टकराया उस एनर्जी से, ए और बी के अंदर बॉन्ड टूटने लगे और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने भी लगे. इतना एनर्जी होना चाहिए कि ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटने लगा और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने भी लगा. ऐसे स्टेट को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट. यह स्टेट तुरंत ब्रेक कर जाएगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में. अब हम लोग कहां से शुरू किए, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल ए और बी ले लिया गया कंटेनर में, ए और बी के बीच में 100 कोलिजन हो रहा है पर सेकंड. हम शुरू में माने कि अगर 100 कोलिजन से मुझे 100 प्रोडक्ट मिलता तो ये मेरे को मैक्सिमम रेट मिलता. एक सेकंड में ही मेरे को 100 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मिल गए, वो तो सबसे ज्यादा रेट है यार. लेकिन हमें पता है कि उस 100 में से हमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 कोलिजन ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, बाकी 95 कोलिजन जो है वो मेरे को प्रोडक्ट. तो अब उसको 100 से 5 तक कैसे लाया गया, एनर्जी का फैक्टर लगा के.
उस 100 में पाया गया कि e टू द पावर माइनस ऑफ e नॉट बाई आर टी फ्रैक्शन का मॉलिक्यूल के पास ही e नॉट एनर्जी है, e नॉट या उससे ज्यादा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए फ्रैक्शन को, एनर्जी कंसिडर हो गया। उसके बाद एनर्जी तो है लेकिन ओरिएंटेशन का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर कार्बन मोनोक्साइड का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कोलाइड करके क्या करेगा? कुछ नहीं। कार्बन मोनोक्साइड का कार्बन जाके ऑक्सीजन के साथ कोलाइड करे तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रूप लेगा। तो एनर्जी है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है। ओरिएंटेशन का भी फैक्टर हम लोग इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। समझ में आ रहा? सिंपल लाइन में ये चीज समझो बस। आर मैक्स सारे कोलिजन प्रोडक्ट दे रहे, आर मैक्स उसमें एनर्जी का फैक्टर मल्टीप्लाई किए, उसमें हम लोग ओरिएंटेशन का फैक्टर मल्टीप्लाई किए, स्टेरिक फैक्टर सब मिल मिला के आरएनएस इक्वेशन तैयार हुआ। टेम्परेचर चेंज हम लोग जो रियल लाइफ में रिएक्शन के दौरान देखते हैं ना, जैसे 10 डिग्री पे करा रहे थे या 25 पे करा रहे, तो 10 से 25 में जो चेंज है वो इस पूरे फैक्टर में बहुत बड़ा चेंज नहीं लेके आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू है, इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, है ना। देयरफॉर देयर विल बी नो फिजिबल चेंज इन द कैपिटल ए फैक्टर। क्लियर एवरीवन? K इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। अब हम लोग इसका करेंगे एनालिसिस। नोट करो, जल्दी नोट करो। K इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ाए ये वैल्यू कम हो जाएगा, अगर x कम हो गया e टू द पावर माइनस x में तो k बढ़ जाएगा। k इंक्रीजेस एंड k इंक्रीजेस देयरफॉर द रेट इंक्रीजेस। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन k डिक्रीजेस, रेट ऑल्सो डिक्रीजेस। वेरी सिंपल, टेम्परेचर का डिपेंडेंस। If activation energy increases, अगर किसी reaction का activation energy बढ़ा दिए, activation energy बढ़ गया, अगर activation energy बढ़ गया तो K decreases, therefore the rate decreases, reaction का rate कम हो जाएगा। अगर activation energy घटता है तो K increase होता है, therefore rate of reaction भी इंक्रीज होता है। ओके, इफ टी टेंड्स टू इनफिनाइट, इससे ज्यादा टेम्परेचर तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग बेटा, हम लोग तो ये जान रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम उसको इनफाइनाइट कर दिए, इनफाइनाइट टेम्परेचर, तो उस वक्त जो मेरे को के मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा तो के हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, इफ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया तो ये पार्ट पूरा जीरो हो गया, ई टू द पावर जीरो वन हो गया, दैट मीन्स के विल बी इक्वल टू ए एंड डेफिनेटली दिस विल बी कॉल्ड के मैक्स। देन व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए? कैपिटल ए रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेट कॉन्स्टेंट पॉसिबल फॉर एनी रिएक्शन। कैपिटल ए का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैपिटल ए? कैपिटल ए रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेट कॉन्स्टेंट पॉसिबल फॉर एनी रिएक्शन। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी अकेला क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रेडी टू गिव प्रोडक्ट्स, या बोलेंगे
which are ready to cross the potential energy barrier. आखिर ये जो ग्राफ देखते हो इस तरीके से तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ही तो है. उसको कौन पार कर सकता? जो पार कर गया वो प्रोडक्ट देगा. e टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रेडी टू क्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. ये फ्रैक्शन होता, ध्यान रखना, और विच आर रेडी टू गिव प्रोडक्ट्स आफ्टर कोलिजन. अकेला के ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी का यह मतलब है. मतलब अरहनियस इक्वेशन का बेटा दो पार्ट है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी मैक्सिमम रेट कॉन्स्टेंट, मैक्सिमम में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन इट विल गिव यू द एक्चुअल रेट कॉन्स्टेंट. वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर हैविंग ई नॉट और ग्रेटर देन ई नॉट, ई नॉट और ग्रेटर देन ई नॉट, ये फ्रैक्शन बता रहा है कि जो जो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन का तैयार है जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को पार करके. और एक और बात ध्यान रखना, यहां जो एक रिलेशन निकाले ना, ई इज इक्वल टू आर टी बाई टू प्लस ई नॉट, ये बहुत छोटा वैल्यू होता है. आर टी बाई टू बहुत छोटा वैल्यू होता है, ई ए नियरली इक्वल टू ई नॉट होता, आर टी बाई टू ये दोनों किलो जूल में होगा. अगर आप रूम टेम्परेचर 298 कीजिए, 298 इंटू 8.314 अपॉन टू, तो 298 इंटू 4 डिवाइड बाई 1000 कर, देख कितना छोटा वैल्यू आएगा. एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू होता 80 किलो जूल के ऑर्डर में, समझ में आ रहा, 30 किलो जूल 50 किलो जूल के ऑर्डर में रहता, किलो जूल के ऑर्डर में, ये बहुत छोटा वैल्यू रहता है. क्लियर? खैर, जो भी हम एक्सप्रेशन यहां डिराइव किए थे, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन. गौर से देखना, अगर हम लोग के वर्सेस टी को प्लॉट करें, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, वी गेट अ एक्सपोनेंशियल कर्व लाइक दिस. ऐसा कर्व मिलेगा पी जीरो पे ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी जीरो, के का वैल्यू जीरो एट टेम्परेचर जीरो केल्विन, एंड इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक? अब बहुत ही सिंपल, ग्राफ का नेचर ही ऐसा है. इसे बोलेंगे लोअर टेम्परेचर रेंज, इधर बोलेंगे हायर टेम्परेचर रेंज, है कि नहीं? लोअर टेम्परेचर रेंज, हायर टेम्परेचर रेंज. पहले गौर से देखो, अगर मैं सेम डेल्टा टी ले रहा हूं लोअर टेम्परेचर रेंज में, और सेम डेल्टा टी अगर ले रहा हूं हायर टेम्परेचर के रेंज में, हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज करता, तो यहां पर मेरे को जो डिफरेंस मिलेगा, यहां पर जो के का जो डिफरेंस मिलेगा डेल्टा टी के लिए, और यहां पर जो मेरे को के का डिफरेंस मिलेगा द सेम डेल्टा टी के लिए, समझ में आ रहा हम क्या समझाना चाह रहे? द रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज मोर सेंसिटिव एट अ लोअर टेम्परेचर रेंज. मोर सेंसिटिव का मतलब लोअर टेम्परेचर रेंज में अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे टेम्परेचर, तो के में बहुत ज्यादा चेंज का फर्क दिखेगा. लेकिन हायर टेम्परेचर रेंज में अगर वही टेम्परेचर का चेंज करो 10 डिग्री से, तो वहां पर आपको रेट कॉन्स्टेंट में फर्क बहुत कम नजर आएगा. रेट कांस्टेंट इज हाईली सेंसिटिव इन लोअर टेम्परेचर रेंज. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे वो सेंसिटिविटी कम होती चली जाती है. ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल ले रहे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू 200 केल्विन पे डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट का वैल्यू 180 केल्विन पे, रेशियो कितना का डिफरेंस है टेम्परेचर में? 20 डिग्री सेंटीग्रेड का. यही अगर हम बोले के 300
के 280, के 400, के 380 रेशियो, विच रेशियो विल बी ग्रेटर? हर जगह तो टेम्परेचर का चेंज मैंने 20-20 केल्विन या 20-20 डिग्री सेंटीग्रेड सही किया है, यहां का रेशियो आप पाओगे सबसे ज्यादा धन्य। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सेम डेल्टा टी के लिए रेट कांस्टेंट में चेंजेस घटते चला जाता। क्लियर? द रेशियो के टी प्लस 10 अपॉन के टी, द रेशियो ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट वैल्यूज, दो अलग अलग टेम्परेचर में, लेकिन उस टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से होना चाहिए फॉर अ गिवन रिएक्शन, इसे हम लोग कहते हैं म्यू, विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम लोग को यह कैलकुलेट करना पड़ा तो सीधे हम लोग बिठाएंगे ln ऑफ के टी प्लस 10 अपॉन के टी विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 10, है कि नहीं? टी पता है, अगर ये पता है तो हम लोग ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, फॉर मैक्सिमम रिएक्शन म्यू, दिस म्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 3। फॉर मैक्सिमम रिएक्शन दिस म्यू का वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 3, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन लाइज बिटवीन 2 एंड 3। इस पे बेस्ड बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, और टेम्परेचर कोफिशियंट को आप कॉन्स्टेंट मानिएगा, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट, म्यू टेम्परेचर कोफिशियंट इज नियरली कॉन्स्टेंट फॉर मैक्सिमम रिएक्शन, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 एंड 3। मान लो किसी रिएक्शन का के वैल्यू पूछ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बता, ठीक है, इसका के वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है, सपोज अल्फा, के वैल्यू 10 डिग्री पे दिया हुआ है, के वैल्यू 50 डिग्री पे बताना है, और इसका टेम्परेचर कोफिशियंट दे रखा है सपोज 2, पचास डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे को चाहिए के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए, 10 डिग्री पे दे रखा है और टेम्परेचर कोफिशियंट भी दे रखा है, के 20 बटे के 10 मल्टीप्लाइड बाय के 30 बटे के 20 मल्टीप्लाइड बाय के 40 बटे के 30 मल्टीप्लाइड बाय के 50 बटे के 40। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? हर एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना, 2 2 2 2 हो गया, अल्टीमेटली ये सब कट कुट आगे क्या बचेगा आपके पास, के 50 बाय के 10 दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4, देयरफॉर के 50 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। The temperature coefficient of the reaction, given reaction, is a constant and that constant lies between 2 and 3. Value diya hua hoga sawal mein, ha? Kya hai main? Yahan pe? नहीं तो आप टेम्परेचर रेंज आप देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप ड्रास्टिकली यहां देख रहे थे और यहां देख रहे थे, ये एक प्रॉपर्टी याद रखना, थोड़ा तो चेंज करेगा ही करेगा,
लेकिन हम लोग उस रेंज ऑफ टेम्परेचर में उसे कांस्टेंट मान लेते हैं. टेम्परेचर कोफिशियंट 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 10-10 डिग्री का चेंज पे अगर हम देखेंगे तो नो डाउट हायर टेम्परेचर पे अगर हम जाएंगे तो वो चेंज मेरे को बहुत कम मिलेगा. लेकिन अगर हम 10-10 डिग्री का चेंज सिर्फ इसी रेंज में अगर देख रहे हैं तो मेरे को लगभग बराबर मिलेगा. समझ में आ रहा है? ये जीरो केल्विन है बेटा, मैंने ये एक्सिस बहुत बड़ा है. क्लियर? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट and it lies between 2 and 3. Catalyst. What is a catalyst? It changes the rate of reaction. Catalyst is a substance which changes the rate of reaction. Catalyst gets recovered completely at the end of the reaction. Therefore, we say it does not participate in reaction. Reaction ke baad pura ka pura catalyst humko recover ho jata hai, wapas mil jata hai. इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. कैटलिस्ट सिर्फ रेट को चेंज करता है. इफ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द रेट इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. एंड इफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट it is called positive catalyst. If catalyst increases the rate, then it is called positive catalyst. ऐसे भी catalyst होते हैं जो rate को कम करते हैं, ऐसे भी catalyst होते हैं जो rate को बढ़ाते हैं. जो rate को बढ़ाते हैं उनको positive catalyst बोला जाता है. Basically catalyst ये काम कैसे कर पाता है? Catalyst participates in the reaction. In the reaction, informing activated complex. जैसे मान ले A react करके दे रहा है B, A plus B react करके दिया मान ले product P बिना catalyst का. लेकिन वही अगर रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं ए प्लस बी इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी, तो देखो यहां पर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा. ए और बी के बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा, टकराया होगा, तो पार्शियल बॉन्ड का टूटना और पार्शियल बॉन्ड का बनना. तो यहां पर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा, यहां पर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा और यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर गया होगा इंटू प्रोडक्ट पी. लेकिन यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ए और बी के बीच में. समझ में आ रहा है? ए और बी अगर कैटलिस्ट सी के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको ले रहे हैं तो नो डाउट ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के बनाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एनी वे, ऐसे बना ले या तीन मेंबर का रिंग जैसा बना ले, कुछ भी बना ले. दिमाग में इतना रखना कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है. ठीक? पार्टिसिपेट करने के बाद फिर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है पी और कैटलिस्ट अलग से निकल जाता सी. तो जो सी हम लोग शुरू में लिए थे वही सी हम लोग को लास्ट में मिल गया. तो हम लोग बोल देते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया. बट कैटलिस्ट डज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन फॉर्मिंग द. नाउ सिंस दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट,
This activated complex is different. Their energy will be different. If they are not identical, then their energy will be different. Activated complex जो catalyst बनाता है, वो बिल्कुल different होता है as compared to बिना catalyst का reaction का. तो जब activated complex ही अलग-अलग बना, तो उनकी energy भी अलग-अलग होगी. ऐसे समझना. मान ले potential energy diagram. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट. शुरू में ए और बी लिया गया था, बिना कैटलिस्ट का लिया गया था. मान लो ये रिएक्शन ऐसा पाथ फॉलो किया, प्रोडक्ट पी मिल गया. ठीक, यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी अपनी एनर्जी होगी. ए बी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया उसकी एनर्जी है. ठीक, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिए, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट के केस में दूसरा बना माने उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी. या तो एनर्जी ओरिजिनल से कम होगा या एनर्जी उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो बेसिकली कैटलिस्ट इफेक्ट्स द रेट बाय participating in a activated complex formation, and it forms the activated complex of different energy. Basically वो reaction का activation energy को change करता है. Catalyst reaction का activation energy को change करता है. Catalyst changes the activation energy for the reaction. समझ में आ रहा? यहां पे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया. एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, रेट कांस्टेंट बढ़ गया. रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है? दैट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसा काम करेगा, और जिसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया. एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से रेट कांस्टेंट घट गया. रेट कांस्टेंट घटने की वजह से रेट भी घट गया, और ये ग्राफ हो जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट का. तो बेसिकली कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन इन फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इट बेसिकली चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. जो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया वो रेट को कम कर देगा, और जो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया वो रेट को बढ़ा देगा. पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ दिस एंड दिस. कैटलिस्ट ओनली चेंजेस द पीक वैल्यू. पीक को ऊपर नीचे करता है, लेकिन ए और बी का जो एनर्जी था और प्रोडक्ट का जो एनर्जी था उसमें कोई चेंज, तो इन दोनों में अगर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन का डेल्टा एच, द रिएक्शन डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा जी एटसेट्रा ऑल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. All remains constant. It only affects the activation energy and nothing else. सिर्फ activation energy को ही फर्क लाता है और किसी चीज पे फर्क नहीं आता. Clear है? अब करेंगे सवाल. एक दो सवाल कर लो. नहीं बेटा, अभी कहां, अभी तो रिएक्शन मैकेनिज्म बाकी है. जो दूसरे बैच में सबसे पहले हुआ है वो हम सबसे आखिरी में कराते हैं. बताए बोले थे ना, रिएक्शन मैकेनिज्म है. अगले क्लास में आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म होगा, और उसके बाद नो डाउट रेडियो एक्टिविटी चालू होगा.
अरे ले लेना, पार्टी तो हम देंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन तो तुम रोज मांगते भी तो हो। मैंने जो कोलिजन थियोरी में जो डेरिवेशन किया उससे घबराना मत, थोड़ा घबराहट ऐसा महसूस होता है लेकिन घबराना नहीं। कर लिए कॉपी? टू रिएक्शंस टू रिएक्शंस ए गिविंग प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर एंड बी गिविंग प्रोडक्ट सेकेंड ऑर्डर। रिएक्शन वन, रिएक्शन टू, the rate of reaction 1 doubles when the temperature is raised from, the rate of reaction 1 doubles when the temperature is raised from 300 kelvin to 310 kelvin, the rate of reaction 1 doubles when the temperature is raised from 300 kelvin to 310 kelvin. The half-life of the first reaction, the half-life of first reaction at 310 Kelvin is, the half-life of first reaction at 310 Kelvin is 30 minutes. Likh liye? At the same temperature, B decomposes. At the same temperature, B decomposes. At the same temperature, B decomposes twice as fast as A. At the same temperature, B decomposes twice as fast as A. If the activation energy of the reaction 2 is, if the activation energy of the reaction 2 is half that of reaction 1, if the activation energy of the reaction 2 is half that of reaction 1, find the rate constant of the reaction 2. Find the rate constant of the reaction 2 at 300 Kelvin. Find the rate constant of reaction 2 at 300 Kelvin. सवाल सॉल्व करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आरएनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एनथ ऑर्डर, के हमेशा ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। समझ में आ रहा? क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी दो रिएक्शन का रेट कंपैरिजन या एक ही रिएक्शन का दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कंपैरिजन, एनीवे रेट कंपैरिजन इज ऑलवेज रेट कांस्टेंट कंपैरिजन। अगर दो आदमी को दौड़ाना है, कौन तेज भागता है, कौन कम तेज भागता है, ज्यादा तेज भागता है, उसको एक लाइन से दौड़ाओगे तभी तो सही आंसर आएगा, आगे पीछे रख के दौड़ाओगे तो आंसर सही आएगा नहीं ना। तो एक लाइन में रखने का मतलब
चाहे कोई भी रिएक्शन हो, द रेट इज मेजर्ड कीपिंग ऑल द रिएक्टेंट्स एट यूनिट एक्टिविटी. जैसे मान लीजिए सेकंड ऑर्डर था, के इंटू बी स्क्वायर लिखोगे, इसका रेट लिखोगे के इंटू ए, दोनों का रेट कंपेयर कर रहे हो ना, ए को भी वन मोलर, बी को भी वन मोलर, तो वन स्क्वायर हो या वन टू द पावर एन हो, वो तो वन हो गया. इधर रेट भी के बराबर हो जाएगा, इधर भी रेट क्या हो जाएगा, के बराबर. अल्टीमेटली रेट कंपैरिजन इज ऑलवेज रेट कांस्टेंट कंपैरिजन. आर टू बाई आर वन विल बी ऑलवेज इक्वल टू के टू बाई के वन. ये रिएक्शन का रेट डबल हो गया, वो रिएक्शन का रेट आधा हो गया, ये जो होता है ना, ये रेट कांस्टेंट का इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. अब सवाल करो, मेरे को फाइनल है, जब इसका टेम्परेचर 300 से 310 केल्विन करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स. ओके, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन वन, रिएक्शन वन का हाफ लाइफ एट अ टेम्परेचर 310 केल्विन इज 30 मिनट्स. एट द सेम टेम्परेचर, माने 310 केल्विन पे ही बी डिकम्पोजेस ट्वाइस एज फास्ट एज ए, रेट ऑफ बी ट्वाइस एज फास्ट एज ए. लेकिन ये चीज 310 पे. इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन टू, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन टू इज हाफ दैट ऑफ रिएक्शन वन, देन फाइंड द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन टू एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन. सवाल यही है, एक एक करके इस्तेमाल करो जो जो दे रखा है. पहला इस्तेमाल कौन सा होगा, T1 से T2 बोल रहा है कि पहले रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब टेम्परेचर हम 300 से 310 करते हैं. तो यार R2 बाई R1 डबल हो गया, मतलब कि K2 बाई K1 डबल है, K2 बाई K1 का वैल्यू 2 है. तो हम ध्यान रखना, पहले रिएक्शन के लिए लिख रहे LN K2 बाई K1 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन अपॉन R 1/T1 - 1/T2. ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में निकाल दिए थे, डिराइव कर दिए थे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट. K2 बाई K1 क्या बिठा है, LN2 इज इक्वल टू EA ऑफ द फर्स्ट अपॉन R 1/300 - 1/310. इसको बहुत आसानी से सॉल्व करके हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वन निकाल लेंगे. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वन पता चल गया बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन टू भी पता चल गया, बिकॉज इट इज गिवन हाफ ऑफ द रिएक्शन वन. एक्टिवेशन एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट बिटवीन द टेम्परेचर रेंज T1 और T2. हमेशा कॉन्स्टेंट ही लेना है एक्टिवेशन एनर्जी को, या केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट मानते. तो यह भी पता चल गया. फिर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन वन 310 पे दे रखा 30 मिनट. तो पहले रिएक्शन के लिए लिख सकते, चूंकि पहला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के वैल्यू. कब, 310 पे. किसका, पहले रिएक्शन का. तो के वैल्यू 310 पे पहले रिएक्शन का निकल जाएगा 0.693 अपॉन 30. एट द सेम टेम्परेचर बी डिकम्पोजेस ट्वाइस एज फास्ट एज ए. उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे बी का डिकम्पोजिशन दुगना हो रहा है ए का, माने बी का रेट दुगना है ए का रेट से. अगर बी का रेट दुगना है तो बी का रेट कांस्टेंट भी उस टेम्परेचर पे दुगना है. समझा रहा, तो पहले रिएक्शन का तो निकाल चुके हो, तो के वैल्यू एट 310 फॉर द सेकेंड रिएक्शन विल बी दो गुना, इसका दो गुना कर देंगे 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा 15. समझ में आ रहा है, अब हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इन दोनों का. समझ में आ रहा, एल एन
K310 किसका सेकेंड रिएक्शन का अपॉन K300 किसका सेकेंड रिएक्शन का विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी किसका सेकेंड रिएक्शन का अपॉन R 1 अपॉन T1 - 1 अपॉन समझ में आ रहा तो ये वाला हम लोग यहां बिठाए एक्टिवेशन एनर्जी यहां बिठाए T1 T2 पता है ये निकल जाएगा जो पूछ रहा है 300 केल्विन पे सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना मेरे ख्याल से ये वाला सवाल ना सॉल्व भी हो जाएगा क्योंकि 1/T1 - 1/T2 दोनों में सेम है सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी हो जाएगा किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो रेट कंपैरिजन इज ऑलवेज रेट कांस्टेंट कंपैरिजन तो रेट कंपेयर ही क्यों कर रहे हो फिर तुम बोल रहे हो एक का रेट कम है एक का रेट ज्यादा है तो जिसका रेट कम है उसका रेट हम बढ़ा नहीं सकते क्या ज्यादा ले ले उसका रिएक्टेंट हम तो चाहें तो दोनों का रेट बराबर भी कर सकते तो रेट कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया रेट कंपैरिजन करने के लिए सबका यूनिट मोलारिटी लेके आप रिएक्शन कराओ उस वक्त जो रेट आएगा वो हम मेजर करेंगे हम बोल रहे हैं कि यार रेट दुगना हो गया या दुगना है क्या रेट को तो बराबर भी किया जा सकता है बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट आल्सो एंड एक्टिविटी आल्सो है कि नहीं 0.1 मोलर लेके आपने मेजर किया R1 वही अगर हम 0.4 मोलर ले लेंगे तो हम बढ़ा नहीं दिए रेट को क्या क्लियर पहला सवाल क्लियर है सवाल लिखिए डिस्कशन अगले क्लास में कर लेंगे बहुत जरूरी है क्या है कि एक सवाल कराएंगे तुमको आज का लेक्चर का थोड़ा फील आ जाएगा कि आज हुआ क्या है बेटर वो है डिस्कशन कर लेंगे हम लोग अगले क्लास में पूरा तो नहीं दो और तीन ही करेंगे मैंने एनीवे इस वीक में डिस्कशन कंप्लीट हो जाना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम का ताकि हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ते पढ़ते हम लोग कंप्लीट कर लें केमिकल काइनेटिक्स का भी ठीक है खैर आगे लिखो अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन If the same reaction is carried at the same rate, if the same reaction is carried out at the same rate, if the same reaction is carried out at the same rate in presence of catalyst. In presence of catalyst, then the temperature required was 400 Kelvin. Then the temperature required was 400 Kelvin. Then the temperature required was 400 Kelvin. If the threshold energy of the reactant is 120 kilojoule per mole, if the threshold energy of the reactant is 120 kilojoule per mole, and the normal energy of the reactant is 20 kilojoule per mole, if the threshold energy of the reactant is 120 kilojoule per mole, and the normal energy of the reactant is 20 kilojoule per mole and the normal energy of the reactant is 20 kilojoule per mole calculate the magnitude of activation energy barrier calculate the magnitude of activation energy barrier reduced by the catalyst calculate the magnitude of activation energy barrier Reduced by the catalyst. एक रिएक्शन है
जो कि बिना कैटलिस्ट के यूज से 500 केल्विन पे होता है। जब हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल किए और रिएक्शन को उसी रेट पे करवाए जो कि पहले हो रहा था, तो टेम्परेचर कम में ही रिएक्शन हो गया, 400 केल्विन पे ही वो रिएक्शन हो गया। तो इस सवाल से भी एक चीज सीखने की जरूरत है, बताएंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी दे रखा है, तो आपको यह बताना है कि आखिर कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कितने से कम किया। एक चीज ध्यान दो, हमें पता है कि K इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। मान लो ये रेट कांस्टेंट है बिना कैटलिस्ट का, ठीक। जब हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो ये रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हम लोग जो रेट का बढ़ना घटना बोलते हैं ना कैटलिस्ट के यूज से, टेम्परेचर सेम रख के, जो टेम्परेचर पर रिएक्शन चल रहा था वही टेम्परेचर पे हम अभी कराएंगे तो रेट फास्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर हम यूज किए तो रेट फास्ट हो जाएगा। इक्वेशन देख, टेम्परेचर टी इज सेम, टेम्परेचर टी इज सेम, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बड़ा वैल्यू, ये छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू मतलब ये बढ़ गया, ये छोटा, ये बढ़ गया तो बोलेंगे रेट बढ़ गया। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं रेट को बढ़ने देना चाहता हूं कि नहीं। मैं चाहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहे, कैटलिस्ट के यूज से भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहे। तो ईए और ईएसी ये तो चेंज हुआ ही हुआ है, तो हम लोग को टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तभी तो ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम आएगा। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है तो ये टेम्परेचर को भी छोटा होना पड़ेगा, दिस इज टी वन एंड दिस इज टी टू, तभी तो के का वैल्यू सेम आएगा। हमको के का वैल्यू सेम चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी घट चुका है कैटलिस्ट के इस्तेमाल से, एक्टिवेशन एनर्जी घट चुका है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट ने घटा दिया और मुझे रेट कांस्टेंट सेम चाहिए तो हमें तो टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। बता, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी छोटा वैल्यू है देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू, माने टी टू शुड बी लेस देन टी वन, बड़ा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू विल बी इक्वल टू छोटा वैल्यू अपॉन छोटा वैल्यू, तभी तो बराबर आएगा के, समझ आ रहा है। तो इफ टेम्परेचर इज सेम देन रेट इंक्रीजेस, एंड इफ रेट इज सेम, इफ रेट इज सेम देन टी टू विल बी लेस देन टी वन, टेम्परेचर डिक्रीजेस। कहने का मतलब जो रिएक्शन 800 केल्विन पे तुम करा रहे थे बिना कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट के मदद से आप उसको 400 केल्विन पे भी करा सकते हो, लेकिन रेट सेम मिलेगा, टेम्परेचर तो कम हो गया। और वही अगर तुम 800 केल्विन पे ही वही रिएक्शन को कैटलिस्ट के यूज से कराते तो आपको रेट बढ़ा हुआ मिलता। समझ में आ रहा, सवाल कर फटाफट फटाफट, 20 आंसर करेक्ट। बिना कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कितना, 100 आया, क्योंकि थ्रेशोल्ड दे रखा है 120, नॉर्मल दे रखा है 20, देन एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड माइनस नॉर्मल, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बिना कैटलिस्ट के इस्तेमाल से एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का कितना था, 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यह रिएक्शन चल रहा था कितने केल्विन पे, 500 केल्विन पे, हम कैटलिस्ट का मदद लिए, कैटलिस्ट का मदद लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर गया, लेकिन मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अब टेम्परेचर जो है वो 400 केल्विन है और दोनों का रेट सेम है, रिएक्शन को सेम रेट पे कराया जा रहा है, इसलिए जो 500 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा था वो 400 केल्विन पे होने लगा। ओके, द रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट, देन ओनली द रेट विल रिमेन सेम। ए ए कट जाएगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में मेरे को नहीं पता,
लेकिन R into 400 पता है, दोनों तरफ log ले लिए, माइनस माइनस कट गया, R R कट गया, 100 by 5 is equal to ESC by 400, हाँ 4, यही आएगा ना, तो activation energy using catalyst कितना आ रहा, 80 किलो जूल पर मोल, तो कैटलिस्ट ने कितने से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम किया, 100 था 80 कर दिया, 20 किलो जूल पर मोल से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर दिया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्लियर है ऐसे सवाल टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले, और भी करेंगे हम लोग अगली क्लास में।